भारत को अनेकता में एकता वाला देश यूं ही नहीं कहा जाता। भारत की खासियत है यहाँ की सांस्कृतिक विविधताएं और विरासतें। संस्कृतियों के मेल के कई रंग भारत में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। जहाँ एक और देश में सांप्रदायिक दंगों के कई किस्से सुनने को मिलते हैं, वहीं ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने प्रेम और सौहार्द की लौ को जगाए रखा है। मध्य प्रदेश के भांदर में ताजिया का जुलूस कुछ समय के लिए ही सही, पर कृष्ण मंदिर के सामने रुकता जरूर है। इस चतुर्भुज कृष्ण मंदिर का निर्माण भी एक मुस्लिम ने ही कराया था। 200 सालों से जब से यह मंदिर बना है, ताजिया चतुर्भुज महाराज यानी कृष्ण भगवान के मंदिर के सामने रुकता है और सलामी देकर आगे बढ़ता है। ऐसा इस मुहर्रम के दिन भी हुआ। यही प्रथा तब भी निभाई जाती है जब कृष्ण की सवारी निकलती है। ये जरूरी होता है कि हर परिवार का कम से कम एक सदस्य चतुर्भुज महाराज की सवारी को कंधे पर उठाए। ये सालों से चला आ रहा रिवाज है। इस शहर में लगभग 40 ताजिए बनते हैं और सभी पहले कृष्ण मंदिर के सामने कुछ सेकंड रुककर सलामी देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि ये मंदिर हजारी नाम के एक स्थानीय मुस्लिम ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि हजारी ने सपने में चतुर्भुज भगवान को देखा था। भगवान ने उनसे कहा कि मैं एक तालाब के आसपास हूँ। सुबह जब हजारी पास के तालाब में गया तो कृष्ण की मूर्ति को देखकर हैरान रह गया। इस मूर्ति का वजन 4 टन था। वो किसी तरह मूर्ति को अपने घर तक ले आया। इस घटना के कुछ दिन बाद फिर से हजारी को सपने में चतुर्भुज महाराज के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें घर में ना रखा जाए। इसके बाद हजारी ने तुरंत मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करा दिया।